गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं ऑफिस के बाद सीधा बस सिटी आया था, तो आई विल शो यू वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दैट वी हैव डिस्कवर्ड। एक कैंगरू पॉइंट क्लिफ पार्क है, तो यहाँ पे एज यू कैन सी द सिटी एंड देयर इज अ क्लिफ राइट बिहाइंड मी। और यहाँ पूरा वॉकिंग पाथ बना हुआ है जिस पे यू कैन वॉक एंड इट्स क्वाइट बिग। यू कैन जस्ट गो अक्रॉस द ब्रिज टू द रिवर एंड दैट साउथ बैंक ओवर दैट साइड, तो वो भी काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है। और इस जगह की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे जो मेरे पीछे क्लिफ है, यू कैन एक्चुअली डू रॉक क्लाइंबिंग देयर। एज यू माइट बी एबल टू सी कि मेरे पीछे जो दो लोग हैं वो अभी रॉक क्लाइंबिंग करने यहाँ आए हैं, तो दे विल जस्ट स्टार्ट द सेटअप। क्योंकि आपको नीचे से ऊपर जाने के लिए रोप्स चाहिए होती हैं एंड यू हैव टू वेयर हेलमेट एज वेल, तो आई थिंक दे जस्ट डूइंग द सेटअप, बट इट्स गुड टू सी दैट दे आर सच ऑप्शंस। हमें बड़ा फैसिनेटिंग सा लगा था जब वी जस्ट मूव टू ब्रिस्बेन एंड वी सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपके पास सिटी में ऐसी एक्टिविटीज़ करने की भी जगह है। पार्क सुंदर भी है ये, और यहाँ से सिटी व्यूज़ भी हैं। एंड यूजुअली क्या होता था कि हम ऊपर आते थे एंड वी जस्ट सॉ वन डे कि नीचे कार पार्क है, तो आई जस्ट पुट एड्रेस ऑफ दिस कार पार्क टुडे। तो काफ़ी कन्वीनियंट है क्योंकि अगर अदरवाइज आप ऊपर से आते हो तो आपको स्टेयर से नीचे आना पड़ता है, देयर इज़ नो लिफ्ट। ऑल्दो इट्स थोड़ा ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती है, बट ऊपर काफ़ी चलती हुई सड़क है तो वहाँ कई बार पार्किंग हो सकता है ना भी मिले आपको, तो इट माइट बी अ गुड स्पॉट एंड स्पेशली फॉर समवन हु डजंट फील कंफर्टेबल डूइंग द स्टेयर्स, तो दिस कुड बी अदर ऑप्शन। वैसे तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली पार्क्स में ऐसा ही होता है, बट जब से हम क्वींसलैंड आए हैं तब से तो हमने ज़्यादा ही नोटिस किया है कि देयर इज़ लॉट ऑफ बारबेक्यूज अराउंड। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ इतने से एरिया में भी दो बारबेक्यूज हैं। और द वे इट वर्क्स इज़ कि ये काउंसिल आपको या यहाँ गवर्नमेंट लगा लो आपको फ्री देती है, यू जस्ट हैव टू यूज़ इट एंड क्लीन इट एंड दैट्स अबाउट इट। अदर थिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग हियर इज़ यू कैन एक्चुअली टेक फेरी राइड्स जो आपको रिवर क्रूज कराती हैं फ्रॉम लाइक फ्यू स्टेशन टू अदर साइड ऑफ द रिवर जहाँ साउथ बैंक है, एंड दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द फ्री वंस। बड़ी फेरीज हैं वो पेड हैं, दे एक्ट लाइक योर नॉर्मल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन या ट्रैम होती है, बट दीज लिटल वंस फ्री, दे आर कॉल्ड सिटी हॉपर्स। सो इफ़ यू इन द सिटी एंड यू वॉन्ट टू ट्रेवल और गो फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर, यू कैन यूज़ देम एंड दे आर प्रीटी गुड। डिफरेंट एक्सपीरियंस क्योंकि आप बाहर से रिवर देखते हो अलग है, बट वैन यू इन साइड द रिवर एंड यू वॉचिंग द स्काईलाइन एंड अदर थिंग्स, इट्स क्वाइट डिफरेंट एंड गुड। द अदर थिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग इज विच वॉज डिफरेंट इफ नॉट इंटरेस्टिंग इज कि यहाँ पे सिटी में आपको लेन्स बनी होती हैं। अब जैसे हमें क्या लगता है कि फुटपाथ है यू कैन वॉक, बट दैट्स नॉट द केस। यहाँ पे जो फुटपाथ है वो सिर्फ साइकिल वाला है, तो विच मीन्स साइकिल या इलेक्ट्रिक स्कूटर वाले लोग ही इस पे जाते हैं, एंड फॉर वॉकिंग दैट्स द फुटपाथ ऑन दैट साइड। तो वो काफ़ी लगता है क्योंकि जब मैं पहली बार आया तो आपको होता है कि हाँ फुटपाथ है, तो इट्स ए शेयर्ड फुटपाथ, यू कैन वॉक और डू साइकिलिंग, बट दैट्स नॉट द केस। यू कैन सी राइट बिहाइंड मी वो साइकिलिंग वाला फुटपाथ है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, और स्पेशली आफ्टर द लाइट्स कम ऑन। और अब देखो ये इस टाइम पे क्लाइंब शुरू करेंगे, मतलब इट्स नॉट लाइक कि दिन की रोशनियाँ तभी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड दर इज एक्चुअली हुक्स ऑन टॉप ऑफ द रॉक्स, तो यूजुअली तो लोग ऊपर से हुक करके फिर करते हैं, दैट्स व्हाट आई सॉ, बट आई थिंक नीचे से जाते हुए भी आप कर ही सकते हो क्योंकि इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ यू कुड डू दैट। मेरा मन तो बहुत है ये सब सीखने का, बट यू नीड टू हैव ईदर द नॉलेज या आप फिर जो माउंटेन क्लाइंबिंग जिम्स होते हैं या रॉक क्लाइंबिंग जिम्स होते हैं वहाँ जाओ ताकि आपको बेसिक समझ आएँ एंड देन यू कैन मे बी गो ऑन योर ओन। बट द गुड पार्ट इज़ कि यहाँ पे जो ये रॉक्स हैं इनमें हुक्स लगाए हुए हैं नीचे से भी, तो आप अपना ऊपर ट्रांजिशन करते हुए भी हुक करते हुए जा सकते हो। एंड इट लुक्स सुपर कूल एज़ वेल, जस्ट लुक एट इट। ताकि बहुत बड़ा नहीं है बट आई थिंक ज़्यादा नहीं तो चार एक फ्लोर का तो होगा, ज़्यादा ही होगा बोल के चार से। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्विक वीडियो, आई एक्सप्लोर दिस पार्क कभी वीकेंड पे आके क्योंकि अभी तो अंधेरा हो गया एंड ट्रैफिक भी कम हो गया होगा। इट्स वन ऑफ द रीजंस क्योंकि मैं यहाँ पर रुका था इस क्योंकि अगर बहुत भीड़ होती है तो समटाइम्स इट्स ईजियर फॉर मी टू जस्ट स्टॉप एंड मे बी डू सम वॉक और जॉगिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, ताकि आपका थोड़ा टाइम भी यूटिलाइज हो जाए रदर देन जस्ट सिटिंग इन ट्रैफिक।
और बाय द टाइम मैं यहाँ से निकलूँगा इतने ट्रैफिक कम हो जाता है, तो इवेंचुअली मुझे टाइम उतना ही लगता है घर जाने में, बट आई कैन जस्ट कम एक्सप्लोर सम गुड व्यूज़, इन्जॉय सम व्यूज़ नॉट एक्सप्लोर, एंड वॉक फॉर अ बिट, जस्ट रिलैक्स. एंड इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल सिटी वाइब, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ नहीं होती. आप सिटी की साइड जाओगे तो यू विल ऑब्वियसली गेट मोर ट्रैफिक, मोर पीपल वॉकिंग. लुक एट दिस डॉग्स, चूहा टाइप लग रहे हैं.